नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आज शेरकोट में एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने रोड पार कर रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें रोड पार कर रहे व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि शेरकोट चुंगी नंबर 5 पर मुबारकपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार ने रोड पार कर रहे मोहल्ला नौधना निवासी छत्रपाल उम्र लगभग 45 वर्ष को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें छत्रपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर परिजनों को इसकी खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि छत्रपाल अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता इजरार अहमद धामपुर। क्या नाम आपका? नाम तो वीर बत्ती है। कहाँ से आ रहे थे अब और कहाँ को जा रहे थे? जवाब को जा रहे थे, क्या छोड़ना मरीज को, कैंसर का मरीज। अच्छा अच्छा, ये क्या मामला, हादसा जो हुआ कैसा हुआ है? गाड़ी पर से उस पर कूद का रेलिंग पर से, अच्छा। दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई, हमारे सिर से भगवा पड़ा। अच्छा, तो मौत हो गई उनकी? हाँ। अच्छा अच्छा, आप कितने लोग थे कार में? यही बैठे हैं, तो जितने हैं थे। आपके किसी के चोट? ना, हमारा का नाम भी है। सही बना नहीं है। आपने घर इन्फॉर्म कर दिया आपने? हाँ, कर दिया। ठीक, हमारी गाड़ी हाईवे पे थी जी। वो वहाँ से वो आदमी वहाँ से रेलिंग से कूद के आया, पहले फिर रेलिंग से कूद के भाग के स्पीड आया, पहले जो हमारी बराबर में गाड़ी स्पीड से जा रही थी ना, उससे टकराया। स्पीड से टकराने के बाद सीधा हमारी गाड़ी से पहले बोनेट से टकराया, फिर शीशे पर टकराया। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम यहाँ से आ रहे थे मुबारकपुर से, हम जा रहे थे नजीबाबाद। नजीबाबाद, कैसे हुआ यहाँ से? ये हम मुबारकपुर से आ रहे थे जी, हाईवे पे थे। वो आदमी आया रेलिंग पे से कूदा जी, और पहले से वो गाड़ी से टकराया, गाड़ी टकराने के बाद सीधा हमारी गाड़ी को टकराया। भागा चला गया। ड्राइविंग कौन कर रहा था? ड्राइविंग वीर सिंह जी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, और किसी के कार में चोट? नहीं नहीं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।